दर्शन कब करें, और आपको ताज्जुब होगा 22 तारीख को जैसे ही भगवान सिंहासन पर बैठेंगे जमाना बदल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सर ये बताइए, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ और हमेशा ऐसा ही रहता हूँ, हमेशा मेला जाता हूँ। तो ये कितने सालों से आभूषण दर्शन मैं 14 सालों से ऐसा ही हूँ। भगवान महाकालेश्वर ने मुझे ऐसा रूप दिखाया था, जब से मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हिंदू से अकेले ही निकलते हैं। जिस तरह आभूषण, जय श्री राम, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? काफी दिनों से मैं कह रहा हूँ, ये पृथ्वी के सबसे बड़े भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है जो परमात्मा है। और अभी तो देखना आप, 22 तारीख के बाद अयोध्या चमक जाएगी और पृथ्वी की एक एक आत्मा भगवान राम को दर्शन करने आएगी। और जैसे ही दर्शन करेंगे प्रभु के, जमाना बदल जाएगा, आदमी बदल जाएगा और सारे काम होने लगेंगे, बदलने लग गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कृष्ण और श्री राम जी की दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये परमात्मा, परमात्मा राम का रूप रख के पृथ्वी पर आए और सारे स्वर्ग नरक सारी चीजें बताया, समझाया, बताया कैसे शादी करें, कैसे क्या क्या करें जी। और इसके बाद भगवान समझा के और सारे रास्ते बता के फिर चले गए जी। और अब वो क्या है, मूर्ति में बन के बैठ गए जी। तो अब पहले साक्षात थे, अब मूर्ति से सारे काम हो रहे हैं जी। भगवान सिर्फ बोलते नहीं, बाकी सब करते हैं। अच्छा, इतने आभूषण पहने हुए हैं, इसके क्या राज है? अरे इसका राज ये है, मैं बचपन में तपस्या करता था जी, तो 16 साल पहले भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया, मुझे ऐसा बना दिया, कहा कि इसका रूप रखो प्रचार करो। आज क्या मन में सपना सजा के आए हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए? नहीं, वो तो समाया ही हुआ है, सपना राम के लिए नहीं देखना, सिर्फ इंतजार है कि भगवान जी जल्दी से मंदिर में विराजमान हो जाएं, जिससे सारी दुनिया को अच्छा लगने लगे, क्योंकि जिसको प्यार करते हैं और वो अगर सिंहासन पर नहीं बैठेगा तो लोगों को दुख होता है जी। तो उस सबका इंतजार है कि भगवान जो हमारा पिताजी का पिताजी परमात्मा है, वो अपने सिंहासन पर बैठे, जिससे खुशियाँ आए आत्माओं।